ओम नमः शिवाय। आपने अक्सर देखा होगा मुझे काला जादू का प्रयोग करते हुए, और मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लैक मैजिक ही समझते हैं। अगर मैं उनसे कह दूँ कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशन किसी ने छोड़ी है, तो उनकी समझ से बाहर होगी ये चीज़ें। तो आप इतना समझ लीजिए कि जब किसी की बुरी नज़र किसी पर लगती है तो उसको काला जादू कहा जाता है, और जब आप किसी चौराहे से निकले और वहाँ पर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी हो और उस तंत्र क्रिया से आप प्रभावित हो जाएं, उसे काला जादू कहते हैं। किसी ऐसे दुर्गम स्थान में आप चले जाएं जहाँ पर कि कोई आत्मा जो है वो भटक रही हो और उसके चपेट में आप आ जाएं, तो उसको काला जादू कहते हैं। कोई तंत्र क्रिया आप पर कर रहा हो और वो आप पर लग जाए तो उसको काला जादू कहते हैं। और इन सारी चीज़ों को नेगेटिव एनर्जी कहते हैं जो कि आपके विरुद्ध काम करेगी, आपको नीचा दिखाने का काम करेगी। तो इसलिए आपको समझ में आए, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को ब्लैक मैजिक कहता हूँ। तो इस पृथ्वी में ऐसी काफ़ी वस्तुएं हैं जो आपके लिए बनी हुई हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए बनी हुई हैं। एक ऐसा ही चमत्कारी स्टोन है जिसको अगर आप अपने ऑफिस में रख लें, अपने घर में रख लें, तो वो इन सारी ऊर्जाओं को सोख लेगा। आपको पता ही होगा कि जो ब्लैक कलर होता है वो लाइट को सोख लेता है, और ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये भी लाइट का ही फॉर्म है। तो ये जो ब्लैक टर्मलिन है, ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको सोखने का काम करता है। अक्सर जाने अनजाने में हम किसी ऐसी वस्तु पर पैर रख देते हैं जिस पे कि कोई क्रिया कर रखी होती है, और वो चीज़ हमारे साथ जुड़कर हमारा अहित करने लग जाती है। तो ऐसी क्रियाओं को दूर करने के लिए आपके पास एक रामबाण उपाय है। जहाँ पर भी आप बैठते हो या फिर जहाँ पर भी आप सोते हो, अपने बेड के साइड टेबल पर या फिर अपने डेस्क पर आप ये एक पत्थर, ये जो स्टोन है, इसको रख सकते हैं। ये क्या करेगा कि रातों रात वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी उनको सोख लेगा। फर्ज कीजिए कोई मीलों दूर बैठकर आप पर क्रिया कर रहा है, तो जो क्रिया होगी वो इस पत्थर पर लगेगी, आपकी जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होंगी उनको ये सोख लेगा। इसके बाद आप पर कोई भी क्रिया कर ही नहीं पाएगा। जो ब्लैक टर्मलिन है ये इतना प्रभावी है, अगर आप इसे 10 मिनट अपने हाथ में लेकर बैठ जाएं और अगर आप पर कोई क्रिया कर रखी या फिर कोई कर रहा हो, तो आपको हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर ये 7 दिन तक आप ऐसी क्रिया करते हैं, इसको बस अपने हाथ में पकड़ के रखिए 1-2 मिनट के लिए, तो ये आपके जितने भी रोग हैं, जितने भी आप में नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोख लेगा। अगर रात को नींद ना आ रही हो तो इसको 10 मिनट अपने हाथ में पकड़कर बैठिए, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। गंदे विचार आ रहे हों, बुरे सपने आ रहे हों, और रात के 1 से 5 बजे के बीच में अगर आप डर कर उठते हों, तो ये आपके लिए ही बना हुआ है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अज्ञानतावश न जाने कितने प्रयोग कराते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अब तक समझ पाया हूँ, ये सटीक रामबाण इलाज है किसी भी काली विद्या के लिए। आप बस अपने समीप इसको रखिए और फिर देखिए प्रकृति में किस तरह के चमत्कार मौजूद हैं। आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी उन सबको सोखने के लिए ये बना हुआ है, और ये बहुत बहुतायत में मिलता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर है, आप जहां से भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ब्लैक टर्मोइल। और ये पत्थर आपको बेशुमार हैं, बहुत हैं, इसकी कोई कमी नहीं, आपको कहीं से भी मिल जाएगा ये। अब ऐसा ही होता है एक पिंक सॉल्ट, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट, उसके साथ भी बिल्कुल सेम उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप उसको 10 मिनट तक, गरम नमक को अगर आप 10 मिनट तक अपने हाथ में लेकर रखें, तो वो भी आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोख लेगा। अगर ये पत्थर ना मिले और आपके पास घर पर वो हिमालयन सॉल्ट का कोई पत्थर पड़ा हो, तो उसको आप अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन पहले उसको गर्म करना होगा। गर्म करके आप 10 मिनट तक अपने हाथ में रखिए, तो वो भी आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सोख लेगा। इन क्रिस्टल्स का काम होता है मानव कल्याण के लिए, और
अज्ञानतावश ये हमारे पास ही होते, लेकिन हमें इनका ज्ञान नहीं होता। तो आज के बाद जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर कोई कर रहा है, या फिर बुरे सपने आते हों, बुरे विचार आते हों और मन भटकता हो, तो ये आप अपने बेड के सिरहाने रख लीजिए। ये आपकी ज़रूर सहायता करेगा। और कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे कई लोग होते हैं कि जो अज्ञानतावश किसी ऐसे स्थान में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ घटित हुआ हो, और जो स्पिरिट है वहाँ की वो हताश हो, निराश हो, किसी का इंतज़ार कर रही हो, और उसको एक कंटेनर चाहिए होता है, एक शरीर चाहिए होता है अपने लिए, और वो जो व्यक्ति वहाँ पर गया होता है उसका शरीर ले लेती है। तो अगर आप इसका एक नेकलेस बना के रखें, अपने पास रखें, तो ऐसी चीज़ें कभी आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। ये सब तरह की नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर सोख सकता है। बहुत ही चमत्कारी स्टोन है। मैं तो कहूँगा कि हर एक को एक छोटा सा टुकड़ा तो अपने पास इसका रखना ही चाहिए। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। थैंक यू।